Today we will discuss the sixth part of unit 4 of non-conventional and non-conventional energy sources. In this part we will discuss the ocean thermal energy conversion. इसमें बताता हूँ मैं होता क्या है. ocean thermal energy conversion में जो tropical oceans होते हैं, सुदूर में जो हमारे समुद्री area होते हैं, और समुद्र का पानी जो heat absorb करता है, जो energy absorb करता है सन से, तो उससे क्या होता है, जो समुद्र की ऊपरी लेयर होती है उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है. इट विल बी अराउंड 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस. और जो समुद्र का नीचे का जो एरिया होता है उसका टेम्परेचर करीब 5 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो दोनों के बीच में ऊपरी लेयर में और काफ़ी नीचे जाके जो लेयर होती है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है करीब 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड का. तो जो ऊपरी लेयर होती है, जो गर्म पानी होता है, उसको हम यूज़ करते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए. हम डायरेक्टली भी गर्म पानी को यूज़ कर सकते हैं फॉर वेपराइजेशन, या हम कोई इंटरमीडिएट लिक्विड यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस के लिए, उस लिक्विड को वेपर बनाने के लिए भी हम वो वार्म वाटर को यूज़ कर सकते हैं. फिर आगे चल के वेपर को कंडेंस करने के लिए फिर हम वो जो समुंदर का नीचे का पानी होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है वो यूज होता है. इसमें दो तरीके की साइकिल होती है, एक ओपन साइकिल होती है, एक क्लोज साइकिल होती है. ओपन साइकिल सिस्टम में हम कोई इंटरमीडिएट फ्लूड नहीं यूज करते हैं. हम जो समुद्र की ऊपरी सतह का जो गर्म पानी होता है, हॉट वाटर होता है, उसी को यूज करते हैं. और क्लोज सिस्टम में हम फ्रियॉन या अमोनिया टाइप का कोई फ्लूड यूज़ करते हैं. इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं. एक डिसएडवांटेज मेजर ये है कि इसमें हमें 2% के करीब एनर्जी कन्वर्ट कर पाते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं. और इसके और भी उपयोग हैं. जब हम जो बाद में पानी जो निकलता है, वो पानी जो है हम नमक उसमें से निकल जाता है, तो एक तरीके से उसके एंड में हम नमक का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. डीसैलिनाइजेशन इसको कहते हैं, डीसैलिनेशन कहते हैं. नमक निकल सकता है और वो पानी फिर हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खेती में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दैट इज ओटेक प्लांट. ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक इज टू रन द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय ओशियन इनटू यूजेबल एनर्जी. दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियन वेयर वाटर टेम्परेचर डिफर फ्रॉम सरफेस टू डीपर इनटू द सी. ऑन द ओशियन सरफेस इट कैन बी एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन द टेम्परेचर एट डीप सी लेवल. जैसा मैंने पहले बताया था कि जो समुद्र की ऊपरी सतह होती है, जो अपर लेवल ऑफ सी वाटर होता है, द टेम्परेचर ऑफ दैट सी वाटर इज अराउंड 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस. और जो नीचे का होता है 5 टू 7 डिग्री सेल्सियस होता है. तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर ऑफ सी वाटर एंड द बिलो लेवल ऑफ सी वाटर इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. ड्यू टू लो टेम्परेचर डिफरेंस द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज वेरी लो. मैंने जैसा पहले बताया था, चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम है, तो जो एनर्जी इससे हमें मिलती है उसके लिए उसका कन्वर्जन काफ़ी कम है. इसीलिए हम जो स्टीम बनाते हैं वो हमें काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, काफ़ी बड़े वॉल्यूम में चाहिए होती है टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें. द थर्मल ग्रेडियंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम. फर्स्ट वन इज ओपन साइकिल सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉड साइकिल सिस्टम बिकॉज इट इज इन्वेंटेड बाई साइंटिस्ट क्लॉड. दैट्स वाई ओपन साइकिल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज क्लॉड साइकिल सिस्टम. इन फिगर यू कैन सी दैट इवेपोरेटर को हम जो है वार्म वाटर देते हैं डायरेक्ट. सी के जो अपर लेयर होता है उससे हम डायरेक्ट जो है वार्म वाटर देते हैं फॉर द इवेपोरेशन.
ठीक है, और जो कंडेंसर है उसको हम काफी नीचे करीब 900 मीटर के अराउंड, जो वार्म वाटर लेयर होता है उससे कम से कम 900 मीटर के करीब या 1 किलोमीटर के करीब ले जा करके हम लगाते हैं कंडेंसर। तो उस कंडेंसर को क्या होता है, हॉट कोल्ड वाटर मिलता है एज कंपेयर टू द अपर लेयर। तो इवेपोरेटर से हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे जो कि हम स्टीम टरबाइन को देंगे, और स्टीम टरबाइन रोटेट करेगा अपने शाफ्ट को, जिससे कि जनरेटर कनेक्टेड होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी वो कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर में कंडेंस होकर के ठंडे पानी की वजह से फिर वो अपना ओशियन में चला जाएगा वो पानी बन करके। तो ओपन साइकिल सिस्टम इज द ओपन साइकिल सिस्टम यूज द सी वाटर एज द वर्किंग फ्लूड। सी वाटर ही इसमें डायरेक्ट वर्किंग फ्लूड की तरह यूज होगा, इसमें कोई हम एक्सटर्नल फ्लूड यूज नहीं करेंगे। द वार्म सरफेस वाटर इज फ्लैश इवेपोरेटर इन अ चैम्बर मेंटेन्ड अंडर हाई वैक्यूम एंड जनरेटेड वेपर ड्राइव्स अ लो प्रेशर टर्बाइन कनेक्टेड विद द जनरेटर। द एग्जॉस्ट स्टीम इज कनेक्टेड यूजिंग सी वाटर, अ हीट एक्सचेंजर इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने बताया ना जो हीट एक्सचेंजर है उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कोल्ड वाटर स्प्रे मेक्स अ हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट जो हमारा वो है वो कोल्ड वाटर से डायरेक्टली उसको हम जो है ठंडा कर सकते हैं, हमें हीट एक्सचेंजर की जरूरत इसलिए इसमें नहीं पड़ती है। द ही स्टीम इज जनरेटेड एट वेरी लो प्रेशर। मैंने पहले जैसे बताया था कि स्टीम जो है बहुत लो प्रेशर पे चूंकि जनरेट हो रही है, इसलिए हमें स्टीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत लार्ज वॉल्यूम में स्टीम चाहिए होता है हमें स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए। हेंस द डायमीटर ऑफ स्टीम टरबाइन इज अबाउट 12 मीटर फॉर 1 मेगावाट। अनदर सिस्टम इज नोन एज क्लोज साइकिल सिस्टम। इन द क्लोज साइकिल सिस्टम लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सच एज फ्रियॉन और अमोनिया इज द वर्किंग फ्लूड। हम फ्रियॉन यूज कर सकते हैं या अमोनिया यूज कर सकते हैं। ओपन साइकिल सिस्टम में हम क्या करते थे कि हम डायरेक्ट गर्म पानी जो हॉट वाटर होता था सी के अपर लेवल का उसी को यूज करते थे। क्लोज साइकिल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एंडरसन साइकिल सिस्टम बिकॉज इट इज इन्वेंटेड बाई द साइंटिस्ट एंडरसन। इन द क्लोज साइकिल सिस्टम लो बॉइलिंग लिक्विड सच एज फ्रियॉन और अमोनिया इज वर्क एज अ वर्किंग फ्लूड। द फ्लूड इज इवेपोरेटेड यूजिंग द वार्म सरफेस सी वाटर। आफ्टर द वेपर ड्राइव द टर्बाइन इट इज कंडेंस्ड बाई कोल्ड सी वाटर। अब कंडेंसर जो है वो हमें कोल्ड सी वाटर से, वही मैंने बताया था 900 टू 1 किलोमीटर के करीब नीचे होगा, तो कंडेंसर में जो भी स्टीम एग्जॉस्ट होके आएगी वो कंडेंसर में कंडेंस होगी कैसे, वार्म सी वाटर कोल्ड सी वाटर से। आफ्टर द वेपर ड्राइव द टर्बाइन इट इज कंडेंस्ड बाई कोल्ड सी वाटर। दिस कंडेंसेट इज पंप्ड बैक टू द इवेपोरेटर। अब यहाँ से जब कंडेंस होगा तो फिर ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर फ्रियॉन यूज कर रहे हैं फ्रियॉन, अमोनिया यूज कर रहे हैं अमोनिया, तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और फिर लिक्विड फॉर्म में होकर के फिर इसको हम इवेपोरेटर में भेज देते हैं। फिर इवेपोरेटर में ये वार्म सी वाटर की वजह से इवेपोरेटर और टॉप लेवल पे होगा, तो वहां पे वार्म सी वाटर रह जो रहेगा वो फिर से इस लिक्विड को वेपराइज कर देगा, वो हमें वेपर मिलेगा, फिर वो हम उसको टर्बाइन में चला जाएगा, टर्बाइन में जाएगा, फिर टर्बाइन से हमारा वो शाफ्ट घूमेगा जो कि हमारा जिससे कनेक्टेड रहेगा हमारा जनरेटर, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। द हीट सरफेस ऑफ वाटर हैविंग टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, जैसा मैंने पहले बताया था, इज ट्रांसफर टू द इवेपोरेटर। वार्म सरफेस वाटर वेपोराइज, अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसमें अमोनिया यूज कर रहा है, फ्रियॉन नहीं यूज कर रहा है, तो वार्म सरफेस वाटर वेपोराइज द अमोनिया, अमोनिया वेपर प्रोड्यूसेस वर्क वाइल एक्सपेंडिंग द टर्बाइन। द अमोनिया वेपर इज देन कंडेंस्ड बैक टू लिक्विड बाय थर्मल कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर। फिर वो अमोनिया जब कंडेंसर में आएगा तब वो
वेपर के फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा, उसको कंडेंस करेंगे तो अमोनिया फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ये नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, कोल्ड वाटर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। डायग्राम में मेरे ख्याल से सब चीज एकदम क्लियर है। एट ऑल द टाइम वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया रिमेन्स इन अ क्लोज साइकिल एंड इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स रिलेटिवली हाई इफिशियंसी एज कंपेयर टू द ओपन साइकिल सिस्टम। द पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज फॉर एन ओटेक प्लांट with an electric power output of 20 megawatt large quantities of warm and cold water must be circulated in the evaporator and condenser. Now the advantages of ocean thermal energy conversion plant. The first advantage is the variety of products and services are the major advantage of OTEC plant. So variety of products abhi hum aage discuss karenge. इलेक्ट्रिसिटी तो हम इससे जनरेट ही करते हैं, प्लस हमने बताया जैसे डीसैलिनाइजेशन करते हैं तो उससे नमक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस जो पानी डीसैलिनाइजेशन के बाद होता है उसको हम बहुत से काम में यूज कर सकते हैं, हम मत्स्य पालन में यूज कर सकते हैं, हम सी से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर होता है उसमें यूज कर सकते हैं, उस पानी को हम सिंचाई के पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। द ओपन साइकिल इलिमिनेट्स द नीड फॉर ए सरफेस हीट एक्सचेंजर। जैसे ओपन साइकिल में क्या होता है कि हम डायरेक्ट वाटर, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर यूज करते हैं, हम कोई भी इंटरनल फ्लूड यूज नहीं करते प्रोसेस में, तो इसलिए हमें एग्जॉस्ट की जरूरत होती नहीं है, वो हम सीधे हमारा कोल्ड वाटर से हो जाता है, तो देयर इज नो नीड फॉर अ सरफेस हीट एक्सचेंजर। द थर्ड एडवांटेज इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ओटेक प्लांट फॉर पावर जनरेशन इज दैट ओशियन एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स। Fourth is, since no fuel is used, the OTEC system may become more economical in future. Now, some limitations are there in OTEC power plant. What are there, those limitations? Number one, due to low pressure, large size of steam turbine is used. जैसा मैंने पहले बताया था, क्योंकि हमें energy conversion काफी कम होता है, almost around 2% के करीब होता है, तो हमें जो है स्टीम बहुत बड़े फॉर्म में चाहिए होती है, तो टर्बाइन का साइज भी बड़ा होता है, तो लार्ज स्टीम साइज ऑफ स्टीम टर्बाइन इसमें यूज करनी पड़ती है हमें। द सेकंड वन इज द मेंटेनेंस ऑफ वैक्यूम इन द पंप नीड वेरी लार्ज वैक्यूम पंप्स। द थर्ड इज इन क्लोज साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इज एक्सपेंसिव। हम क्लोज साइकिल सिस्टम में फ्रियॉन और अमोनिया या और भी कोई वर्किंग फ्लूड अगर यूज करते हैं तो दो आर वेरी एक्सपेंसिव फ्लूड्स, कॉस्ट ऑफ प्लांट इज हाई। द फिफ्थ लिमिटेशन इज एन ओटेक प्लांट विल हैव टू बी कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग सेवरल ओशियन स्टॉर्म ओवर इट्स लाइफ टाइम। द सिक्स्थ वन इज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ओपन साइकिल ओटेक इज वेरी हाई। The seventh is corrosion of metal parts due to saline water. क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और जो भी हम प्लांट बनाते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट लोहे का होता है, आयरन का होता है या कुछ और भी मेटल्स यूज करते हैं उसमें, तो वो खारेपन की वजह से, चूंकि पानी में नमक होता है काफी, तो उसमें corrosion means जंग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो corrosion of metal part due to saline water. Eighth limitation is size of the plant is limited due to large size of the component. Ninth is OTEC plant can alter and may damage the surrounding ecosystem. Tenth is pollution can be caused by closed cycle OTEC if intermediate chemicals leak into the ocean. हम जो इंटरमीडिएट फ्लूइड यूज कर सकते हैं फ्रियॉन अमोनिया या कोई अदर फ्लूइड, तो अगर इन केस कभी भी प्लांट में लीकेज हुआ तो उससे समुद्र के अंदर जो वनस्पति है या मछली या और भी चीजें हैं तो उसको डैमेज हो सकता है, उस पोल्यूटेड हो सकता है उतना पर्टिकुलर एरिया। एक तो इलेवेंथ लिमिटेशन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग पावर प्लांट इज
डिफिकल्ट। अब समुद्र में बनाते हैं तो बहुत सी जगहों पे फ्लोटिंग पावर प्लांट है जो कि समुद्र में फ्लोट कर रहे होते हैं, तो ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ओटेक प्लांट, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज अदर देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओपन साइकिल प्लांट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिसैलिनेटेड वाटर। जैसे मैंने बताया था उसमें डायरेक्ट पानी जो है समुन्द्र में जाता है, तो उसको डिसैलिनेटेड वाटर को हम यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर इरीगेशन एंड ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो हम गर्म पानी जो बाद में ठंडा होकर के निकलता है स्टीम के बाद, फिर से उसको जब ठंडे पानी से कंडेंस होकर जब वो बाहर निकलता है ठंडा होकर के, तो वो डिसैलिनेशन फॉर्म में रहता है। तो डिसैलिनेटेड पानी को हम क्या कर सकते हैं, इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत से समुद्र के किनारे जो एरिया है जहाँ पे ये प्लांट लगे हैं, जहाँ पे नदी वगैरह या उसका पानी या और पानी अवेलेबल नहीं है पीने लायक, तो उन एरिया में इसी पानी को पीने के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। सेकेंड वन इज अ क्लोज साइकिल ओटेक प्लांट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट। थर्ड इज एन ओटेक प्लांट कैन ऑल्सो बी यूज टू पंप अप द डीप सी वाटर, द कोल्ड वाटर कैन देन बी यूज फॉर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इफ इट इज ब्रॉट बैक टू द शोर। हम जो प्लांट में, जैसे मैंने दिखाया था कि ओटेक प्लांट में हम जो गर्म पानी से स्टीम बनाते हैं, फिर बाद में स्टीम को ठंडा करते हैं, तो वो ठंडा वो फिर से लिक्विड हो जाता है और ठंडा होकर के लिक्विड के फॉर्म में फिर से समुंदर में चला जाता है। तो हम उस पानी को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, अगर हम उसको समुंदर में ना डाल करके बाहर निकाल लें। एप्लीकेशन ऑफ ओटेक प्लांट का जो फोर्थ एप्लीकेशन है, व्हाइल द सी वाटर सराउंडिंग द प्लांट इज बीइंग मॉडरेटेड, द इनक्लोजिंग एरिया कैन बी यूज्ड फॉर ए एक्वाकल्चर और मैरी कल्चर। अब एक्वाकल्चर मतलब होता है कि मत्स्य पालन। हम सी वाटर प्लांट के जो इंक्लूजिंग एरिया होता है वहाँ पे हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, या हम एग्रीकल्चर से, मैरी कल्चर मीन्स होता है सागर की कृषि या समुद्र से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर होता है, ये दोनों काम भी हम कर सकते हैं। हम फिश से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द पावर जनरेटेड, क्यों कर सकते हैं मैं बता दूं फोर्थ वाला, फिर चूंकि मॉडरेट मींस होता है शांत या घटाना, तो जो पानी जो वहां का उसके सराउंडिंग का होता है वो एकदम शांत हो जाता है, तो इसलिए वहां पर के ये दो चीजें की जा सकती हैं। एक फिश रिलेटेड काम किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, और एक सी से रिलेटेड एग्रीकल्चर वर्क जो भी है वो भी किया जा सकता है। द फिफ्थ एप्लीकेशन इज द पावर जनरेटेड इन ओटेक प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर is the decomposition of water into oxygen and hydrogen gas due to the passage of an electric current। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हम निकाल सकते हैं। Now the lecture is over, we will discuss in the next lecture we will discuss the geothermal energy। Thank you.